लेकिन कई ऐसे होते हैं कि उनमें से चले जाते हैं, लेकिन कई हमारे बुजुर्ग माता पिता ऐसे भी होते हैं जिनको जाने में परेशानी होती है, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाते हैं। उनके मन में तीर्थ यात्रा का भाव होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति है और हमारी इस संस्कृति में इसका बड़ा महत्व है। व्यक्ति को उससे शांति मिलती है। व्यक्ति जब देशाटन पर जाता है, तीर्थ यात्रा पर जाता है, वहां जब वो देखता है उसके मन में हमारी संस्कृति, हमारे उन सांस्कृतिक केंद्रों को देखने की मन में इच्छा होती है, और जब वो वहां जाता है तो निश्चित रूप से अनुभव करता है कि जो उसने सुना है, जो उसने पढ़ा है, जो उसने समझा है, वास्तविकता में उनको जब वो देखता है तो उसके मन में बहुत सारी कल्पनाएं आती हैं। मैं इस मौके पर आप सभी से इतना कहना चाहता हूं कि आप सभी रामेश्वरम जा रहे हैं। रामेश्वरम वो स्थान है जहां भगवान राम ने तपस्या भी की थी और अन्न विनय भी किया था, और अन्न विनय के बाद माता जी सीता जी को लेने के लिए जब वो पुल बना था तो उस पुल का भी बहुत बड़ा महत्व है। और पुल बनाने से पहले उन्होंने भगवान रामेश्वर की स्थापना की थी और आज उन्हीं के दर्शन के लिए आप जा रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। लगभग 780 यात्री आप सभी लोग जा रहे हैं, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे जीवन में तीर्थों का बहुत बड़ा महत्व है। हमारी संस्कृति, हमारा विचार, और आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे उन सांस्कृतिक केंद्रों, जितने भी हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं जिनसे हमें हमारी संस्कृति और हमारे विचार, हमारी पहचान, उनको बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो अयोध्या का भगवान राम का मंदिर हो, चाहे बनारस के अंदर बनारस के अंदर जिस तरह से कॉरिडोर बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उज्जैन के अंदर महालोक बाबा भोलेनाथ का मंदिर बनाने का काम किया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, इनसे हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसे मजबूत करने का काम किया है। महालोक काल अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा, इसी तरह से भगवान हमारे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, उनके विकास का काम भी किया है। हमने भी, हमारी राजस्थान सरकार ने, जैसा कि मंत्री जी ने बताया, हमने भी बाबा खाटू श्याम के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा खाटू श्याम बाबा का
जो मंदिर है उसको 100 करोड़ रुपए लगा करके उसको भी हमें इस तरह से बनाना चाहते हैं। यही नहीं, हमारे जितने भी ऐतिहासिक मंदिर हैं उन मंदिरों के लिए भी हमने 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हजारों सालों की गुलामी के बाद हमारे देश को आजादी मिली, हमारी सांस्कृतिक विरासतों को मिटाने का काम किया गया था। आदताइयों ने जिस तरह से हमारी सांस्कृतिक विरासतों को मिटाने का काम किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन विरासतों को, जिस तरह से हमारे सांस्कृतिक केंद्रों को उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप जब तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हैं नई ऊर्जा के साथ, अपने उन सांस्कृतिक केंद्रों पर आप जाएंगे, भगवान के आप दर्शन करेंगे, निश्चित रूप से आपके मन में जो भाव और कल्पना है, उन भाव और कल्पनाओं के माध्यम से आपको लगेगा कि एक अच्छे स्थान पर हम आए हैं, और जो आपने पढ़ा था वो निश्चित रूप से आप देख पाओगे। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए, हमने अब की बार 36,000 ऐसे तीर्थ यात्रियों को यात्रा कराने का काम किया है। हमने इसके अलावा 6,000 लोग हवाई यात्रा भी करेंगे, उनको भी यात्रा कराने का काम हम करेंगे। तीर्थयात्री के आवागमन, भोजन, आवास जैसी समस्त व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और इससे जिनके मन में, हमारे बुजुर्गों के मन में कल्पना होती है और भाव होता है कि मेरे को तीर्थ में जाना है, ऐसे सभी लोग उस तीर्थ यात्रा को कर सकेंगे। उसमें सारी सुविधाएं हैं, और हमने कहा है कि आपके अनुभव भी उसमें लिए जाएंगे, क्योंकि आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, आपके मन में कोई विचार आता है। हमने कोशिश की, हमारे देवस्थान विभाग के सभी लोगों ने, कि आपको किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई परेशानी होती है तो आपको एक फार्म मिलेगा, वो भर के देना है कि इसमें यह सुविधा और होनी चाहिए, इसमें यह सुधार करना चाहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम उस सुधार को भी करके आगे इस यात्रा को और सुगम बनाने का काम करेंगे। आप हमारे सभी सम्माननीय हैं, क्योंकि आपने इस समाज के लिए, इस प्रदेश के लिए बहुत कुछ दिया है। हम तो एक छोटा सा आपको यात्रा करा रहे हैं, लेकिन आपका इस राजस्थान के विकास में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। आपने हर क्षेत्र में रहते हुए हमेशा चिंता की है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी की यह यात्रा सुगम हो, अच्छी हो, और आप इस यात्रा का पूरा लाभ उठाएं। मैं देवस्थान विभाग को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और उन्होंने आज जिस तरह की झांकी निकाली है, जिस तरह का यहां कार्यक्रम रखा है, उसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि देवस्थान विभाग ने अच्छी पहल करते हुए अच्छा कार्यक्रम किया है। और इस कार्यक्रम में आए सभी तीर्थयात्री और मेरे सभी और सभी कार्यकर्ता आए, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे मीडिया के बंधु आए हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आप निश्चिंत जाएं, अपने परिवारजनों को कह करके जाएं कि आप निश्चिंत रहिए, हमारी ये यात्रा सरकार के द्वारा, देवस्थान विभाग के द्वारा
एक अच्छी और सुगम यात्रा होगी, उन सभी को विश्वास दिलाएं। अंत में आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं और आपकी से इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान के विकास में जो आप सभी बुजुर्गों का योगदान रहा है, आपका वो योगदान मन से भाव से कर्म से इस राजस्थान पर बना रहे, जिससे कि हमारा राजस्थान और प्रगति की ऊंचाइयों को छुए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।